अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मौली, ऐसे कैसे ना ऐसे? ये हमारी पहली जीत है छोटी माँ के खिलाफ, तुम्हारी जीत है। मैं तो कहता हूँ मौली, तुम भी हंसो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ी नहीं नहीं। अरे किसके हंसने की आवाज आ रही है? ये आवाज तो शायद मौली के रूम से आ रही है। मैं तुमसे वादा करता हूँ मौली, कि तुम्हारे होठों से यहाँ से कभी गायब नहीं होने दूंगा। सवाल पूछ रहे हैं, अगर देवर जी यहाँ अंदर होते तो हमें दिखाई देते ना। पर अगर देवर जी यहाँ अंदर नहीं है तो फिर कौन हंस रहा था? अम्मा जी का भूत? भूत, भूत, भूत। भगवान मुंह न खुलवाए, अम्मा जी गलती से हमारे मुंह से निकल गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। नैना भाभी अभी देख ली थी ना, हमारे प्लान पर पानी फिर जाता। ऐसे कैसे देख ली थी? तो माँ को इंसाफ दिलाने के लिए इतनी कुर्बानी दे रही, इतनी तकलीफ सह रही, तो तुम्हारी कुर्बानी ऐसे बेकार थोड़ी जाने देंगे। खैर चलिए, अभी बाबूजी बुला रहे थे। तुम पीछे के तहफा से जाओ, तुमको याद है ना आगे क्या करना? हमें दीपक भैया और नैना भाभी के सामने एक बार और लड़ना होगा, ताकि हमने जो प्लान बनाया है वो काम कर जाए। बिहान कहाँ है बेटा? भगवान मुंह न खुलवाए बाबूजी, ऊपर कमरे में ही गए थे, पर हम जब ऊपर गए तो कमरे में कोई था नहीं। बिहान, बिहान। मौली, कानून तो मैं छोड़ सकता लेकिन मैं नहीं। तुम्हारे साथ मैंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, इस घर में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं। बिहान, उल्टे फेरे लेने से शादी नहीं खत्म होती है, और जब तक हम आपकी पत्नी है हम इसी घर में रहेंगे, हमारा पूरा अधिकार है। मौली, आपस के झगड़े बाद में सुलझा लेना, पंडित जी आए हुए हैं सुलक्षणा की आत्मा की शांति के लिए। आओ बेटा यहाँ पे आओ। पंडित जी, हम तो माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, बताइए क्या करना है उनकी आत्मा की शांति के लिए? आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण ना हो जाए। इसलिए जब किसी की भी असमय मृत्यु हो जाती है तो उसकी चौथी के दिन उसकी आत्मा को न्योता दिया जाता है, ताकि वो आत्मा आए और खुद
अपनी अंतिम इच्छा बताए। पंडित जी मतलब आत्मा सच में आती है? अगर सच्चे दिल से और सही विधि विधान से आत्मा को बुलाया जाए तो आत्मा अवश्य आती है। वैसे घर की कोई भी स्त्री जी इस रस्म को पूरा कर सकती है, पर चूंकि सास की अगली वारिस बड़ी बहू होती है इसलिए रस्म आपकी बड़ी बहू को ही करनी चाहिए। अचानक मौसम का ही बदल गया है और दिन में अचानक अंधेरा, ये कैसे हो गया? मोली क्या हो गया? वो बस हमें लगा जैसे कोई है वहां। तुम आत्मा को न्योता देने जा रही हो मोली। इस रस्म में इस तरीके की भ्रम होना स्वाभाविक है। तुम मृत आत्मा की शांति के लिए ये रस्म कर रही हो, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी आजी को इंसाफ दिलाने के लिए आप जो हमारी मदद कर रहे उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। मौली मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, शिव जी की असीम कृपा है तुम पर। तुम ऐसा कोई पाप कभी कर ही नहीं सकती। छोटी माँ मैं अपने माँ के कातिल के साथ एक ही घर में एक साथ नहीं रह सकता। अब मौली तो वो घर नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ही वो घर छोड़ दूंगा और कहीं और रह लूंगा। मौली और बिहान को दूर करने का मौका खुद चलकर आया है मेरे पास। बिहान ये कैसी बातें कर रहे हो? इतनी बड़ी हवेली है, तुम चाहे कहीं भी रह सकते हो। मैं जानता था छोटी माँ कि आप यही कहेंगे, मगर बहुत जल्द मौली भी यहाँ आने वाली है आपको सजा देने। क्या सोच रहे हो बिहान? छोटी माँ कहीं आपको कोई तकलीफ तो नहीं? इसमें तकलीफ किस बात की? तुम भी तो मेरे बेटे की तरह ही हो, तुम्हारा जहां मन करे वहां रहो। हम दोनों को मिलकर मौली को सजा देनी ही होगी। भैया भाभी आप लोग माँ के कातिल का साथ दे रहे हैं, लेकिन सजा तो आप दोनों को भी मिलेगी। बस एक बार माँ और मौली का प्लान काम कर जाए। Yeah.
देखिए मस्त मौली शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।